हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 15, नेम इज पॉलीमर। इट्स वेरी इजी चैप्टर, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर। पहले हम ये देखेंगे कि पॉलीमर जो वर्ड है, इट इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी इन नंबरेबल एंड मर मीन्स यूनिट और पार्ट। सो वन यूनिट इट्स कॉल्ड मर और मोनोमर, बट इन नंबरेबल यूनिट्स आर कॉल्ड मैनी यूनिट्स, सो इट इज कॉल्ड पॉलीमर। सो द बेसिक थिंग इन दिस इज दैट जब हमारे पास कोई मोनोमर इन नंबरेबल टाइम्स होगा और वो रिपीट होगा और वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच करके एक बड़ा सा, सो इन दिस पॉलीमर चैप्टर हमें छोटे छोटे मोनोमर्स दिए होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर अटैच विथ ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड रिपीट्स इटसेल्फ इन नंबरेबल टाइम, सो दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। इट्स अ बेसिक फंडामेंटल। सो पॉलीमर में एक मोनोमर या दो मोनोमर डिफरेंट या सेम एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ के एक लॉन्गेस्ट चेन बनाएगा, मैक्रोमोलेक्यूल बनाएगा, मैक्रो यानी बहुत बड़ा मैक्रोमोलेक्यूल बनाएगा जिसका मॉलिकुलर मास भी काफी होगा। सो ऐसे कंपाउंड्स को हम पॉलीमर बोलेंगे। ओके, सो पॉलीमर इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज कॉल्ड पॉली एंड मर। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर by taking one example of polythene. So first you see this example, ethene, it is your ethene, a simple organic molecule. This simple organic molecule will attach with itself n time means innumerable time by a covalent bond. So, ये डबल बॉन्ड को हम इस तरह से देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये और ये बॉन्ड आगे चेन से जुड़ रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे जा रहा है, रिपीटिंग यूनिट्स हो रहे हैं, ऐसा एन टाइम हो रहा है। सो इट विल मेक अ प्रोड्यूस अ वेरी मैक्रोमोलेक्यूल। दैट मैक्रोमोलेक्यूल, यहाँ पे आपने इथिन यूज किया है तो उसके मैक्रोमोलेक्यूल को हम पॉलीथीन बोलेंगे, और ये जो पॉलीथीन है इसको हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर में फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन का अगर आपको मोनोमर क्वेश्चन है तो द मोनोमर ऑफ पॉलीथीन इट इज इथीन। तो वेरी इजी। अब आप डेफिनेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी इथीन की बात है, जॉइंट विथ ईच अदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन अ लार्ज स्केल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स काफी होने चाहिए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जॉइंड विथ ईच अदर और अटैच्ड विथ ईच अदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड मेक मैक्रोमोलेक्यूल, दैट मैक्रोमोलेक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर। एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस पॉलीमर इज अबाउट 10^3 टू 10^7 यूनिफाइड मास। ओके, यहां पॉलीमर में जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है दैट कॉल्ड मोनोमर। सो यहां पे आपके पास इथिन, वो आपका मोनोमर हो गया। दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, दिस इज कॉल्ड रिपीटिंग यूनिट। ओके, सो इट इज मोनोमर, इट इज पॉलीमर, अ रिपीटिंग यूनिट दिस इज, एंड द कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। सो आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर द फंडामेंटल ऑफ पॉलीमर। Let's start the second question. The question is, give the classification of polymer based on their source. So, polymer आपको कहां से मिल रहा है, derive कर रहे हो या आपको naturally मिल रहा है, या naturally मिलने के बाद हम उस पर कोई chemical reactions कर रहे हैं। Based on that, we can classify the polymers in three manner. One, that is natural, second is semi-synthetic, and third one is synthetic.
नेचुरल में क्या होता है, दिस काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल लाइक रबर जो है, उसका जो रबर है उसकी ट्री होती है, जो मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, यहाँ सब जगह उसकी फार्मिंग होती है, वहाँ से हमें उसका रबर लेटेक्स मिलता है। सो नेचुरल रबर इट्स अ नेचुरल पॉलीमर। सेम वे सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च, रेजिन्स, रबर, दीज आर द पॉलीमर विच वी कैन टेक फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। वेरी इजी। नाउ द सेकेंड थिंग इज सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक मीनिंग हमें नेचुरली कुछ मिल रहा है लाइक रबर। अब रबर को आप सीधे यूज नहीं कर सकते हो, सो सम केमिकल प्रोसेस मस्ट बी टेकन ऑन दैट नेचुरल पॉलीमर, सो वी कैन इजीली यूज इट इन कॉमर्शियल पर्पज। सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल दैट इज नेचुरल रबर, सो नेचुरल रबर जब हम वल्केनाइज करेंगे विद द मिक्सचर ऑफ सल्फर एट हायर टेम्परेचर, सो नेचुरल रबर वल्केनाइज रबर में कन्वर्ट होगा। सो हियर वल्केनाइज रबर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक बिकॉज नेचुरल रबर वो हमारा रॉ मटेरियल है, वी हैव डन सम केमिकल रिएक्शंस ऑन दैट सो वी कैन यूज इट, सो दैट वल्केनाइज्ड रबर इज कॉल्ड सेमी सिंथेटिक। सेम वे सेल्यूलोज इज नेचुरल अकरिंग बट वेन वी डू सम केमिकल प्रोसेस लाइक एसाइलेशन, नाइट्रेशन, वी विल गेट सेल्यूलोज एसिटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट। सो दीज आर कॉल्ड वॉट, सेमी सिंथेटिक। नाउ थर्ड पॉइंट, सिंथेटिक। सिंथेटिक इट्स कंप्लीटली मैन मेड, इट्स सिंथेसाइज कंप्लीटली लाइक पॉलीथीन। तो यहां पर हम इथिन को नंबर ऑफ टाइम पॉलीमराइज करेंगे तो वो पॉलीथीन बनाएंगे। सेम वे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलिस्टायरीन, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक। सो दीज टू क्वेश्चंस आर द फर्स्ट एंड इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ऑफ पॉलीमर। आई होप यू विल लर्न दिस एंड प्रिपेयर इट। थैंक्स।